हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे एडेड जूनियर भर्ती की। दो तरह के छात्र हैं, एक ऐसे छात्र जो इस परीक्षा में पास हुए हैं रिवाइज रिजल्ट में, और ये छात्र इंतज़ार कर रहे हैं कि भर्ती की प्रक्रिया कब आगे बढ़ेगी। वहीं पर कुछ ऐसे छात्र हैं जिनका रिजल्ट इनवैलिड हो गया है। पिछली बार इनका रिजल्ट आया था, इस बार रिजल्ट रोक दिया गया है। ऐसे छात्र मांग कर रहे हैं कि हमारे रिजल्ट में सुधार किया जाए, नहीं तो ये अभ्यर्थी कोर्ट जाएंगे। तो दोनों पर डिस्कस करेंगे, लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि भर्ती की प्रक्रिया कब तक आगे बढ़ सकती है। तो दोस्तों, अगले माह इसका जीव आ सकता है, जिसकी पूरी संभावना है, और उसके बाद फिर भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आपको पता ही है, इसमें 40% एकेडमिक और 60% लिखित परीक्षा जोड़कर फाइनल मेरिट बनाया जाएगा। तो प्रक्रिया को लेकर थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों प्रॉब्लम है कुछ ऐसे छात्रों को जिनके रिजल्ट रुक गए हैं। हालांकि जिनके OMR में गलती थी, एक्चुअली में जिन्होंने गलती कर दी थी, उनका तो अब कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि PNP ने साफ कर दिया कि हम किसी का प्रत्यावेदन लेंगे नहीं। और OMR में गलती वाला जो मामला है, इस पर हाई कोर्ट भी कोई भी राहत छात्रों को नहीं देता है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो दावा कर रहे हैं कि हमारे OMR में कोई भी गलती नहीं, हमने OMR भरने में कोई गलती नहीं की है, डबल गोले नहीं किए हैं, कहीं कटपिट नहीं किया है, कहीं वाइटनर नहीं लगाया है, और हमारा रिजल्ट पिछली बार आया था। आखिर पिछली बार भी तो रिजल्ट कंप्यूटर और स्कैनर के ही सहायता से चेक किया गया था। पिछली बार हमारा रिजल्ट आ गया था, इस बार हमारा रिजल्ट क्यों रोक दिया गया है? हमें OMR दिखाया और हमारे OMR में कोई दिक्कत नहीं है, और जो उन्होंने स्कैन कॉपी दिखाया उसमें कह रहे हैं कि बाल के बराबर बुंदी का डिस्टर्ब है। अब बुंदी को जूम करके बड़ी दिखा रहे हैं, हमारे OMR में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कैसे न्याय हो? आप लोग सभी लोग सहयोग से बताएं कि इसमें हम लोग न्याय के लिए कहाँ जाएँ और किससे कहें। ये तो छात्रों के साथ सरासर अन्याय हो रहा है। इनवैलिड सब्जेक्ट शिफ्ट वन लिखा, जो हमारे कार्बन कॉपी में साफ दिख रहा है, केवल एक ही जगह गोला किया गया है और हमारा सब कुछ सही है। उसके साहब को दिखाने के बावजूद भी कर रहे हैं कि आपके यहाँ बिंदी है, थोड़ी सी मिस्टेक बता रहे हैं PNP की, लेकिन हमने देखा तो उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। फोटो कॉपी दिखाई गई, हमको मूल प्रति नहीं दिखाया गया। इसके बावजूद हमको अगर ये लगता कि हमने मिस्टेक किया तो हम आते ही क्यों यहाँ? और आने के बावजूद हमने जब देखा वहाँ, तो हमने जो गलती की नहीं वो गलती हमें दिखाई गई। हो सकता है कि हमारी जब हमारी मतलब वहाँ से कापियाँ लाई गई हैं तो एक दूसरे के ऊपर कापी रखने से थोड़ी सी इंक का टच हो गया है, तो उससे कह रहे हैं कि ये गोला भरा है। जब तक गोला पूरा नहीं भरा है तब तक कैसे मान लें कि गोला पूरा भरा है? PNP पर यह छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और कल सचिव साहब ने इन छात्रों को उनकी OMR भी दिखाई थी, लेकिन ओरिजिनल कॉपी उन्होंने नहीं दिखाई। कंप्यूटर पर जो OMR का स्कैंड कॉपी होता है वो छात्रों को दिखाया गया, और छात्रों ने बताया कि स्कैन कॉपी में उनके OMR में कोई भी दिक्कत नहीं थी। कुछ छात्रों ने बताया कि उनके OMR में जो गोले होते हैं वहाँ पर एक छोटा सा बाल बराबर एक बिंदी दिखाई दे रही थी, और उन्होंने कहा कि इसकी वजह से आपका रिजल्ट रोक दिया गया है। तो बहुत माइन्यूट गलतियों की वजह से भी रिजल्ट को रोका गया है, और स्कैन कॉपियों में एक दो छोटे डॉट आ सकते हैं। एक्चुअली में हो सकता है उनके ओरिजिनल OMR में वो डॉट हो ही ना, क्योंकि जब कॉपियाँ जाती हैं तो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आने से छोटे मोटे डॉट हो सकते हैं। और यदि आप अपने ओरिजिनल OMR की फ़ोटोकॉपी कराएंगे तो उसमें दो चार लाइन तो एक्स्ट्रा आ ही जाती हैं जब वो फ़ोटोकॉपी होता है। तो ऐसे छात्र खासा नाराज़ हैं, आज भी PNP पर पहुंच रहे हैं। यदि आपके रिजल्ट में भी कोई प्रॉब्लम है तो आप भी जा सकते हैं आज PNP, अपनी बात को PNP सचिव के स्थान में रख सकते हैं कि जिनके OMR में गलती थी उनका रिजल्ट रुक गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे रिजल्ट को क्यों रोका गया जब हमारे OMR में कोई प्रॉब्लम है नहीं। 74-75 गुणांक वाले छात्र हैं जिनका रिजल्ट रुक गया है, और यदि रिजल्ट को लेकर कोई आश्वासन नहीं मिला तो ये अभ्यर्थी कोर्ट भी जा रहे हैं, याचिका तैयार कर रहे हैं, और इसी बीच अभ्यर्थी याचिका कोर्ट में भी लगा रहे हैं और अपने OMR को कोर्ट के सामने दिखाएंगे, जो उनके पास थर्ड कॉपी है, कि देखिए हमारे OMR में कोई गलती नहीं है, इसके बावजूद रिजल्ट हमारा रोका जा रहा है। देखते हैं आज PNP पर क्या होता है, छात्रों की बात को PNP सचिव सुनते हैं या नहीं, और यदि यह मामला कोर्ट जाता है तो उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। और जो छात्र पास हैं, बिल्कुल रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनके लिए भी गुड न्यूज़ मिल सकती है नेक्स्ट मंथ में। तो ये रहा दोस्तों आज के वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।